कि हमारे जो लखनऊ में स्थित सामाजिक परिवर्तन स्थल पे मैं आई हुई हूँ और यहाँ पे मैंने ये देखा, मैंने ये जाना कि किस प्रकार हमारे महापुरुषों की जो परिवर्तन स्थल बनाया गया है, इतना बड़ा चौक बना है लखनऊ का जो बसपा सरकार में बनाई गई थी, इस सरकार में बना करके हमारे महापुरुषों की सारी चीज़ों को इसमें बताया गया था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने जिस प्रकार ये जाना कि हमारे कुछ सहयोगियों ने बताया कि नेम प्लेटें हटाई जा रही हैं, तो फिर हमने कहा कि इसका खुद का निरीक्षण करना चाहिए, खुद आके देखना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ठीक जगह, यहाँ पे पूरा विस्तारपूर्वक बताया गया था, यहाँ पे पूरे अच्छे से दिखाया गया था कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, कोई भी धार्मिक स्थल हो या फिर कोई भी वहाँ पर किसी भी चीज़ की होती है तो उसकी डिटेल लिख जाती है, क्योंकि वहाँ पे नहीं है, यहाँ से हटा दी गई है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, इधर देखिए, इधर आइए, यहाँ पे भी था, यहाँ पे सारी डिटेल दी गई थी, एक तरफ इंग्लिश में और एक तरफ हिंदी में करके सारी डिटेल दी गई थी कि ये क्या है, कैसे है, बहुजन महापुरुषों की सारी चीज़ों की दिखाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा निकाला गया है, पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इतनी महंगी धातुओं का बना करके लगाया गया था, ये सारी चीज़ें हटाई जा रही हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही कि ये संविधान विरोधी सरकार आज लखनऊ में, हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में इस तरह से हो रहा है, सरकार के नाक के नीचे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बसपा सरकार में, पूर्व की सरकार में ये बनाया गया था, इतना बड़ा परिवर्तन स्थल, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, ये देखिए, बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार ये चाल की जा रही है, किस तरह ये चाल की जा रही है कि हमें हमारे महापुरुषों के नाम को आने वाली पीढ़ियाँ भूल जाएं, उनकी पहचान को भूल जाएं। आज बसपा सरकार में इतनी डिटेल से करके बताया गया था, इतने अच्छे से सिखाया गया था, आपके संत गाड़ी जी हैं उनका ध्वज यहाँ पे देखिए पूरा दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें हटाई गई हैं, कितने अच्छे से बनाई गई थी ताकि हमारे बहुजन के लोग अपने महापुरुषों के बारे में जान सके, समझ सके, सीख सके, उनके नाम को जाने, उनकी एक पहचान को जाने, ये सारी चीज़ों के लिए ये बनाया गया था। लेकिन हमारे, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमारे महापुरुषों की पहचान हटाई जा रही ताकि हमारे ही बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ उसको ना पहचान सके, ना जान सके और अपना इतिहास ना जान सके, तो वो आने वाले समय में इनकी गुलामी करते रहे, ये गुलामी के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगी कि आप ये देख सकते हैं, शिक्षा के जनक क्रांति ज्योति ज्योतिबा राव फुले का भी हटा दिया गया, ये सारी चीज़ें हटाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे बहुजन महापुरुषों का इतिहास हटाया जा रहा है, जिससे हम आने वाली पीढ़ियाँ गुलाम बनती रहे और ना समझ सके। मैं आप भी देखिए, यहाँ पे इस सारी साइड पे दिखा गया था, ये सारी चीज़ें हटाई गई हैं। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लखनऊ के ये बेगम हजरत महल पार्क के पीछे साइड में सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया गया था, ये चौक है, ये बहुत बड़ा चौक है लखनऊ का। यहाँ सरकार आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, अगर सरकार के आंखों नाक के नीचे से अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो क्या ये हम ये कह सकते हैं
ये किसी और की नहीं बल्कि सरकार की ही सोची समझी चाल है कि किस प्रकार हमारे इतिहास को मिटाया जाए, हमारी सरकारी चीजों को नष्ट किया जा रहा है, हमारी प्राइवेटीकरण लाया जा रहा है, हमारे बहुजनों की हर पहचान को दिखाया हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोधी सत्व ज्ञान के प्रति अंधे को आंख, बहरे को कान, गूंगे को जुबान देने वाले और नारी को सम्मान देने वाले ऐसे महान पुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, बोधी सत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की पहचान को मिटाने के लिए उनकी नेम प्लेट जो लगाई गई थी, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी महापरिनिर्वाण कब हुआ था, उन्होंने क्या क्या किया था, उनकी कुछ डिटेल यहाँ पे डाली गई थी। आज कितनी महंगी महंगी धातुएं की चोरी हो रही है लेकिन कोई भी नहीं कुछ बोल रहा, सब शांत बैठे हैं। ये क्या हम कह सकते हैं, हम सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमारे बहुजन महापुरुषों का इतिहास हटाया और मिटाया जा रहा है और इसके लिए मैं सभी देश के युवा साथियों और देश के सभी SC ST OBC बहुजन लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस पे बहुत जोर शोर में विरोध करें, वरना एक एक कर करके आपकी हर एक एक चीज़ को नष्ट कर दिया जाएगा। आज तो नेम प्लेट हटाई गई है पर को हो सकता है ये मूर्तियाँ हटाई जाएं, हो सकता है ये मूर्तियाँ ना हटाएं, वो अपनी कुछ तथाकथित सारी चीज़ें मूर्तियाँ लाकर स्थापित कर दें। अगर हम समय रहते मौके पे अगर आज हमने नहीं बोला, आज हमने नहीं मना किया, आज हमने इसको नहीं रोका, तो आने वाले समय में एक एक कर करके हमारा एक एक इतिहास मिटा दिया जाएगा। और हमारा इतिहास यदि मिटा दिया गया तो आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ अपना इतिहास नहीं जानेंगी, तो वो इतिहास नहीं बना सकती। वो सभी लोग आने वाले समय में गुलाम हो जाएंगे, इनके मानसिक गुलाम हो जाएंगे। तो साथियों आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी लोग इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आके देखें, इस पे सरकार के खिलाफ धरना। को ये बात पता चले कि हमारे सरकार के नाक के नीचे से इस तरह से काम हो रहा है तो अन्य राज्य, अन्य जिलों में क्या हो रहा होगा। जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।